बोलो भारत माता की जय। आज हम करेंगे अपने गांव में पतंगबाजी। चल 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 खींच 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 ये वाली काट दी काइपो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग चैनल पे। हाँ भाई, बालक आ गया, एक मिलने आया है, एक छोटा सा बच्चा है मिलने। हेलो, आज 15 अगस्त है, बोलो भारत माता की जय। चलो भाई, चीनों की डिमांड थी कि पतंग उड़ाया जाए, तो मैं बहुत सारे पतंग लाया हूँ। जैक सीवी की चाबी लेगा, इसमें पतंग है बहुत सारे। और भाई चीनू और स्वाति दोनों गई थी बाहर मार्केट में मांझा लेने के लिए, मांझा इनको कहीं नहीं मिला, तो हमारे पास पुराने से पुराने साल के मांझे पड़े हैं, फिर हम उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे आज पतंग उड़ाने में। कितने साल पुराने हैं? कुछ 3 साल पुराने हैं, कुछ 4 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल पुराने हैं, कुछ पिछले साल का है। पिछले साल का जो मांझा है ना, वो मोनू गाइड का है। अच्छा, बेरा को हमने काट ले, चल डिग्गी में तो काट पतंग। गाइस बहुत सारी पतंग हमारे पास, अभी हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने 15 अगस्त में। जल्दी लाना चीनू, इतना लेट क्यों कर रही है तू। तो हमारे पास एक तिरंगा भी है जो हम अपनी छत पे लगाएंगे। आज 15 अगस्त है और ये देखो कितनी सारी पतंगे हमारे पास। लिकाड़ चल पतंग लिकाड़, चीनू ने लिकाड़ ली है पतंग सारी। ले तू ये डंडा पकड़, ये डंडे पे तो पतंग लगेगी। ये पाड़ी है मत पतंगा ने, सॉरी झंडा लगेगा। हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत सारी पतंग है, बहुत सारे चरखे हैं। और ये मेरा गोल्डन प्ले बटन है, इसको मैं वहां लेके गया था गुड़गांव की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। फिर अनबॉक्सिंग तो कर नहीं पाया, तो काफी दिन से वहां पड़ा था, फिर वापस लाना पड़ा। चलो भाई चीनू रे ना, तेरी दोस्त दिखाऊंगा, आओ रे ना जल्दी आ। मस्त है तेरी दोस्त, गोरी गोरी देख, तेरी गोरी गोरी दोस्त देख मारी, कितनी मस्त है चीनू की दोस्त। हेलो गाइस, मैं चीनू की दोस्त हूँ, मुझे हेलो करो। हेलो तो कर ले अपनी दोस्त, गले तो मिल ले, चिपका ले अपने, चिपक जाओगी तेरे ऊपर पड़ के। तो भाई मम्मी भी आ गई है धागा लेके, इससे बन जाएगा झंडा पक्का। हाँ, ये तो क्या है, गुदड़ी का है क्या, सोड भरने वाले धागा है क्या, क्या बोलते थे इसको, सूत, सूत बोलते, क्या बोलते हैं, सद्दी अलग हुआ, सद्दी तो हाथ टूट जाए, यो पक्का हो गया। चला झंडा लगाते हैं पहले, चल पकड़। बहुत बड़ा झंडा है। तो भाई इतना बड़ा तिरंगा लाया था मैं लगाने के लिए। ये वही है जो शूट पे काम किया था। हाँ। या उससे लग पहले लग रहा था ना, बंदर ने फाड़ दिया वो। बंदर ने, बंदर भी आते हैं, बंदर आ गया फिर, क्या डेली आता है। एक बंदर है पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। भाई ये झंडा डाल दिया है हमने, पहले इसको ऊपर से भी बांध दिए, ऊपर से कोना, ऊपर वाला कोना भी नीचे वाला, ताकि उड़े ना। अच्छा भाई पतंगबाजी का हमारा कंपटीशन, मतलब कंपटीशन कह रहा, वीडियो जो पतंग उड़ाने का वो था ना प्लान, वो पोस्टपोन कर दिया हमने अभी के लिए, शाम को उड़ाएंगे, नीचे भी बांध दे। अरे बेटा ऐसे नहीं सुन, जिसके कोने के बांध है वो निकल जाएगा, उड़ उड़ गई हूँ। नहीं निकले, निकलेगा बांध देना, चल जाता भाई। 2 मिनट में इतनी गर्मी होगी, देख रहे हो कितने पसीने आ गए, कितने भाई मैं सबके ऐसी बुरी हालत हो रही है गर्मी में। और ऊपर करना, ईव ना खुल रहे हो। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, पूरी मजबूती से बांध दिया, और बंदर भी नहीं खोल सकता अब तो इसको। पिछला वाला क्या बंदर ने खोला? हाँ, बंदर ने खोला था, फाड़ा था, मतलब खींच दिया ना उसने, वो फाड़ना ही खींच दिया उसको, तो मतलब हटाने से मतलब उसको तो मजे आ गए ना भाई। ये देखो कैसे बांध दिया, बिल्कुल जाल बना दिया। ईव ना कोई खोल के दिखा दे, मैं खोल सकती हूँ। तू तो पागल से, तू तो खोल लेगी जान के। खोल, तेरे पीछे पूरा सनबर्न आ रहा है। ओ, ये मस्त, जय हिंद जय भारत। ये देखो गाइस, घर पे झंडा लग गया, बोलो भारत माता की जय। चलो भाई पतंग उड़ाने का गाइस हम जो प्लान है वो करते थोड़ा सा पोस्टपोन, क्योंकि हालत देखो झंडा बांधने में इतनी बुरी होगी, थोड़ा सूरज डाउन जाएगा ना तब उड़ाएंगे पतंग। पतंग उड़ भी नहीं रहे अभी, एक भी पतंग है नहीं वैसे आसमान में। हमारे नाए होंगे ना बालक,
बहुत धूप, इतनी धूप हो रही है। वैसे हर बार 15 अगस्त को एक बार बारिश होती है, अब की बार नहीं हुई। रस्ते में बहुत तेज बारिश थी, बहुत तेज। किस किसने अपने घर पे लगाया भाई तिरंगा झंडा बता देना कमेंट करके। बुरी हालत होगी भाई, थोड़ी देर में बुरी हालत होगी। पानी भी लाए थे हम तो ऊपर की, ठंडा पानी की पतंग उड़ाते उड़ाते पानी पियेंगे। झंडा बांधने में ये पानी खत्म होने वाला, अभी थोड़ी देर बाद गर्मी कम हो जाएगी तब आएंगे पतंग उड़ाने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पतंग आपने देखे ही होंगे। देखो कैसे मुंह भीग गया बिल्कुल पसीने में, ये देखो दिख रहा होगा पसीना पसीना हो रहा है पूरा मुंह। टी शर्ट देखो पसीने में भीग गई, बहुत गर्मी है, बहुत गंदी। ये सावन चल रहे हैं, इतने गर्मी भरे सावन, चीनों भी पसीना में होगी, मेरे तो कुछ ज्यादा ही आ गया भाई। मैंने पूछ लिया। बाकी गाइस मेन चैनल पर वीडियो आ गई है, स्कूल में पतंगबाजी 15 अगस्त स्पेशल, तो जिसने नहीं देखी हो जाके देख लो, 15 अगस्त के दिन ही डाली है। और जिसने देख लिया भाई वो दोबारा जाके देख लो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेन चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख लो जल्दी से। इतने भाई सूरज थोड़ा डाउन जाएगा, हम थोड़ा टीवी देख के टाइम पास कर लेते हैं। तो गाइस अभी ना शाम के 6 बज गए हैं, हालांकि धूप तो अभी भी पूरी है लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम है। तो अभी हम पतंग उड़ाने आए हैं, अभी आसमान में पतंग उड़ रहे हैं, दो चार देखो ऊपर दिख रहे होंगे ये रे। ये ले अभी ले। पीछे करेंगे मस्त मजे आएंगे। चलो गाइस पतंग हाँ उड़ रहे हैं पतंग, वह देख आसमान में ऊपर दिख रहे होंगे पतंग उड़ रहे होंगे। इस साइड ओ काफी उड़ गए, इस साइड भी देख पीछे कम है, वैसे पहले बहुत उड़ते थे, जब हम उड़ते पहले तो बहुत उड़ते थे। तो चलो गाइस आज हम करेंगे अपने गांव में पतंगबाजी 15 अगस्त स्पेशल। तो गाइस सारा सामान हमने ले लिया है, सारे पतंग ले लिए हैं, उसमें मांझे हैं, पानी की बोतल। चलो छत पे चलते सबसे ऊपर, हाथों पे टेप तो लगा ले उंगलियों पे। बचपन में पता है क्या करते थे, खत्म भी करने हैं आज आज में। बचपन में हम बहुत सारी टेप लगा के हाथों पे तब उड़ाते थे क्योंकि उंगलियां कट जाती थी। अब चीनू बांधेगी इस पतंग के कन्नी, किंग है इनकी हवा पर, इनकी कौन सा पक्का है। चलो चेक करो, खींचो, वो तो बहुत बेकार है, वो बहुत गंदा है। और ये वाला देख इसके मुकाबले खींच का है ना, ये वाला खींच का है जो मैंने, वो ढील का है। ये ही पक्का है, ये बढ़िया है, इस तो उड़ा। और भी, और भी है एक दो तीन, दो तीन वो तो बहुत पुराना है, ग्रीन वाला तो बहुत ग्रीन तो पुराना है, ये वाला इस तक कर। ये मान जा मैं पिछले साल ही लाई थी, बहुत सही है ये। देख रहे भाई हम चेक कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया पक्का मांझा कौन सा है, यो है वही है उससे उड़ाएंगे, जुगाड़ देसी तरीका। तो गाइस ये हम अपनी छत पर खड़े हैं बिल्कुल टॉप पर, और भाई देख सकते हो मस्त पतंग उड़ने लग रही हैं हर जगह। मम्मी भी आ गई, आ जाओ पतंगबाजी में चैंपियन बन के, आज पतंग काट के दिखाऊंगा सबकी। उड़ाओगे आप, उड़ा लो, आ जाओ वहाँ देखो, अभी तो सही उड़ा के दे दिए, उड़ा के दे देंगे। टूम 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 टूम। हमारे पास बहुत बड़ी पतंग भी है। हम पता है पहले क्या करते हम उड़ा के छोड़ देते थे ना पतंग। हमारी पतंग है भाई चेस बोर्ड की। चल। उसने उसने गिरना छोड़ दिया, तूने पतंग अपने सर पे दे के मारा। ये उड़ जा पड़ा है। ले तू पकड़ मुझे ये दे। देखा। I am experienced. स्वाति का काम है बचपन में गिरडा पकड़ा करती बस यार। पतंग तो मैं देता नहीं था। भैया मेरे को पतंग जमा के देता था हमेशा ऊपर। दोनों मिलके उसको नहीं उड़ाने देते थे ना, तोड़ दी। ए यार दिक्कत होगी देख रहे हो, मार मार मान जाएगा ये अड़ गया पूरा। होता है वो एक ऐसे इसमें से पता है ये क्यों उल जाए, यहाँ से निकल गया होगा ये क्यों। चल उड़ा, वो आगे से पकड़ के जो छोड़ते हैं वो क्या है, कहीं उड़ाने लग जाएगा क्या। स्वाति ला मैं पकड़ पकड़ती हूँ, तो उड़वा दे। अब जहाँ भी जाए उड़ने दे बस, जिसके वो तो बांध ले पूछ। पूछ की जरूरत थोड़ी है। अच्छा ये किसका आया कटके, ओए चीनू मान जाता है वो, आयु मान जाता दे मेरे पतंग। खींच 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 चीनू, तू एक काम कर जो कट कट के पतंग है तो वो उठा के ला। चलो चलो उड़ी थोड़ी उड़ी 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 जाए उड़ी उड़ी जाए। दूसरी पतंग उड़ाई है। हाँ ये तो चलो सही है फिर भी। गाइस मैं ही बांधती हूँ डील, वो करनी अच्छी। दवा उड़ेंगी पतंग, उन पे कुछ वजन रख दे चीनू। पीठ दर्द है ना, बिना उड़ाए सारी पतंग कट जाऊंगी। वो बेटा वो ईंट पकड़ा दे, दे वो रखी उधर, देख मान जा देख के आई। चल चल डील चलने दे,
नहीं पता। उसको क्या पता, उसने उधेड़ के थोड़ी देखा है। तू ध्यान रख, तू ध्यान रख बस उसका। एक एक हाथ ना यहाँ पे रख। मैं आगे चला जाऊं थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा ना ढील, वैसे ही पहले ही ढील छोड़ दे। अच्छा, बीच में लागे के टूट रहा है तो बता दिए, मैं पकड़ लूंगा ना टाइट। फिर सही उड़ गई ये वाली तो भाई, मैंने बांधा है। अच्छा, जब कोई ना तोड़ा कभी बांध। वाह भैया वाह, अब मैं उड़ाऊंगी। तू बांध दे जा, हम उड़ाए जाएंगे सारी। वो है ना अपनी, चल अपनी ये वाली है, ये अपनी है। उस वाली के पास चला, आगे पीछे करेंगे। वो आगे कौन सी वो? हाँ उसके पास है, वो जो इतनी ऊपर है आसपास। तू है ना नीचे देखती रही, कदे मान जा लिकड़ के पड़े। हाँ, इसमें बीच में कदे जॉइंट खत्म हो रहा हो। वे रहना भाई मारा, मान जा किसा है। किसने 10-15 काट दी? तो भाई अपनी पतंग वो वाली है, ये वाली, और हम जा रहे हैं उस वाली के पास करने जो सबसे ऊपर है। चलने दे डील। बचपन से अब तक तेरा यही काम है ना दीदी? एक मेरा कन्नी बांधने का। उड़ा दी रचित में सही, फिलहाल में सबसे ऊपर इसी की है। नहीं माँ, उससे ऊपर है एक और। यहाँ हमारी साइड से मुझे उड़ानी, थोड़ी दूर लेके जा, ले पकड़। दूर तक चले जाएगी, काट दी इन्होंने भैया हमारी पतंग, कट गई इनका भी ना चला। इनका मान जा पता नहीं कैसा है। इसके हाथ में दे दी तने चीनू पतंग, इसने मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी। बीवी ने लपेटती रे, इन्होंने सही नहीं बांधी। स्वाति उड़ा रही अभी पतंग, ये उड़ा दी इसने। तेरी किस कलर की है ये? ये लाल और लाल और नीली है ना, अब सेम गुड्डा पतंग के। चीनू ने भी कन्नी बांधी, अब ये वाली पतंग चीनू मैं उड़ाऊंगा, और इस छत पे खड़े होके ना स्वाति से कंपटीशन करूंगा। ना ना भाई जल्दी दे, तो तेरा काम यही है जल्दी कर। तू उड़ गई ना तेरी, चल ठीक है। दूसरी बार पतंग का कन्नी बंधन लाग रही है, या इसका बन जाओगी फिर चल तेरी गला कंपटीशन करूंगा पेचे का। तू नीचे जाएगा क्या? नहीं नहीं, यहीं से तू इस कोने में आ जाइए, मैं उस कोने में खड़ा होकर उड़ा लूंगा। और ये स्वाति चश्मिश की पतंग, स्वाति चश्मिश पतंग उड़ाती हुई। मेरी चार आंख है ना, मतलब चार आंख का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि झोल खाती हुई पतंग। चीनू की निंजा टेक्निक, सर में रगड़ दिए पतंग। अब देखते हैं कि चीनू की पतंग कितनी आसमान की ऊंचाई छू पाएगी या फिर यहीं पे ढेर हो जाएगी, पड़ोसी की छत पे पड़ जाएगी जाके। गाइस मेरे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं बस कन्नी बांधने के लिए इस छत पे नहीं हूँ। इसकी पतंग की कन्नी भी मैंने बांध दी, उसकी पतंग की कन्नी भी मैंने बांध दी। बस कन्नी बांध लगे रही है, तो सर में दर्द करने के लिए है यार। बीच में था ना दांत, तो काट दूंगी गणी बोली तो। देख एक बार टेप दी है कित गई ये चीनू, इसके लाभ नहीं थोड़ी थोड़ी तोड़ी तो मैं अच्छे नहीं से है। सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही। तोड़ी तो मैं नहीं है, मैं नहीं तोड़ी है लाकड़ी भी इसकी। क्यों तोड़ी? क्योंकि मुझे उड़ाने नहीं दे रहा था तू। स्वाति के साथ एक बार कंपटीशन करता हूँ। ठीक है कर ले, जीतेगी तो मेरी पतंग चाहे कोई सी जीते। देख 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 क्यों करोगे? वो क्या हो रहा है पतंग का? क्या मेरी सही उड़ गई तीनों? इनसे नहीं बांधा तूने? हां हां मैं ही ढंग से नहीं बांधती। उड़ा नहीं बांधती, देख क्या अभी तक उड़ाई है मैंने हवा में, अपने आप ऐसे होगी वो। ये भाई मेरी पतंग, ये भी यूं ही होगी। पता नहीं पतंगों के हो क्या रहा है। हवा चल रही है ना? चल रही है, चल रही है हवा तो। ले चलो मोरे साजना, आसपास में सब तो बड़ी पतंग अपनी है वो वाली। देख लो भाई सिल्वर कलर की पतंग है। सिल्वर ना है, आगे तो गुलाबी गुलाबी है, देख जैसी वो रखी। अच्छा, पीछे से पूरी सिल्वर है। यो बालक भाई, यो छोरा, यो बन जला पेटन में रह गया। हां यानू कैची नु ऊपर जम जाएगी, मगर जमानी थोड़ी है पेचे। आज के दिन भी जमाएगी फिर इतनी सारी। ये यार लग रही पतंग इस तरह कर रही है। किसकी है? किसकी? शैमी और देव की। अच्छा, इतनी इतनी सारी अगले साल तक बचाऊंगी। क्या बोला? मैं कह बेटा आज तेरी पतंग काट के जाऊंगे। चला इसके साथ, चला चल इसके साथ पेचे लड़ने वाले। अभी ये खींच का मान जाए, ठीक है? खींच का है? हाँ खींच के ही है सारे। यार बेइज्जती हो जाओगी, मारी पतंग कट गई तो। सबसे बड़ी है वो, एक वो डील का है बस।
बस जरा होले होले चमोसा जीना वो इस पे हिट धरी है बाउंड्री की सारे पतंग रख के इकट्ठे उनके ऊपर फीट रख दे इतना मान जा भी ना है इतना मान जा भी नहीं है जितना है उतना तक कर खत्म भाई एक बार याद है पूरा भरा मान जा खाली कर दिया था वो ऊपर बिल्कुल डॉट निकला था पतंग का और मैंने छोड़ दिया ओए मत उड़ावे रे मेरे मारे जाओगी रहने दे चल 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 खींच 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 ये वाली काट दी काइपो ले भाई एक पता इसी ओए अभी काट दी भाई वो भाई ओए एक और काट दी दोनों ने काट दी तीसरी भी काट भैया ये भी कट गई भाई और वो भी एक जा रही है बजा लेगा वो पीने वाला जा रही है भाई कट्टी ओड दो पतंग काट दी एक साथ गुच्छे में गुच्छा तो जब होता जब चारों काटता बजा लेगा नहीं वो पीले वाला मेरा इससे पहले जो मारी पतंग छुट्टी वा कट्टी ना थी छुट्टी थी वा बीच में मान जा लग रहा हां दोनों ऐसे ही दोनों ऐसे ही मत करो ये उलट जाओगी यार इसमें चल चल अब आगे आगे वालों का नंबर एनीबॉडी एल्स एनीबॉडी एल्स अराउंड नो आओ कोई भाई पुराना पीछे पूरा मजे तो उसमें आते हैं जब इसकी खुद की बारी हो ना जब जब इसकी खुद की बारी हो तो हमारे साथ हो जाता है वरना बस मैं होती हूँ चल थोड़ी दूर लेके जा इसकी काटते जो है ये रंग बिरंगी वाली काटते हैं चल 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 दूर लग जाओ हवा कम है ना हवा कम होगी बीच बीच में तेज हो जाए फिर कम हो जाए ऊपर से ये पन्नी की पतंग है किस साइड किसकी है पीली वाली नीचे लेके जा नीचे लेके जा हमारी गई गई लपेट गई किसने काटी पीली पतंग ने काइपो चल लपेट जल्दी लपेट वो गई अड़न जागी काइपो वो था के बेस्ट वाला मान जाता के वो पता नहीं बेस्ट वाला तो वो था वो जो अपने टूटा था बीच में थे यो ही था वो तो गाइस ये पतंग के मैंने फिर से कन्नी बांध दी है पीली दो पतंग काटी हमने और हमारी कट भी गई फिर हमारी कट गई क्योंकि मान जा पुराने साल वाला है ना एक पीले रंग की टी शर्ट वाला उड़ा रहा है पीले रंग की पतंग आजा आजा ऐसी हो रही है सारी पतंग हवाएं ना चल रही कोई नहीं पराठा लगा ले पंखा मारा हवा कर देगा पराठा तो फिर मिस्त्री लगाओगा मिस्त्री द्वारा जुगाड़ है सारे एक वो स्टैंड भी होता है ना शायद उसमें लगा दो एक और ट्राई फिर से हम करते हुए ओ भाई पति हवा ना है बस थोड़ी सी ऊपर हवा तो है हवा घूम गई इधर की होगी नहीं तो साइड से अब तो उंगली में लग रही है मेरी तो वो लगा लेना टेप भेजी तो थी डॉक्टर टेप थोड़ी थोड़ी हवा डॉक्टर टेप से हो जाएगा भाई बीच में मत आइए ओए बीच में क्या किया कर यार तू उड़ी की चलो घुमा ले घुमा दे इसकी कहीं दो मिनट पर ऊपर ले जान दो फिर बांध लेगा थोड़ी जम जाए रस्ता मिलाऊं उससे तो बिल्कुल नहीं उड़े गाइस ये झोले खा रही है पतंग पता नहीं क्यों पीले रंग के लड़का उड़ा रहा पीले रंग की पतंग यस जल्दी आते थे ड्यूटी से और हम ये सोचते थे कि पापा कहने से पहले साथ उड़ा देंगे और बाइक क्या हो जाती है नीचे सीधे नीचे और फिर पापा के सोते ही ऊपर
पापा आते ही सो जाते थे, फिर हम छत पे, हमारी ऊपर जा चुके और बहुत ये हवा चाल गई ना थोड़ी सी। हाँ मम्मा आपको पता है भैया ने सबसे अब तक इतनी पतंगों के कन्नी बंधवाई है। आसमान कितना सुंदर है ना अपना। हाँ क्या है, नीचे लेकर जाऊँ मैं? देख 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 टावर पर ये गई उसकी भी कट गई अपनी भी कट गई भाई दोनों की कट गई। लपेट लपेट भाई लपेट 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 फ्लॉप हो गया आइडिया। क्यों क्यों करता है तू ऐसे भैया? ओ यार मैं दूर एक साथ दोनों देना भाई दो मेरी अकेली पतंग दो से भिड़ी थी, इससे पहले दो लगातार काटी थी ना। सही कह रहा है। तो मम्मी अभी हमारा मांझा लपेटती हुई क्योंकि हमारा भाई कट गई एक पतंग और ठीक है इससे अभी दो काटी थी मैंने, पर अभी हम दूसरे वाला यूज करेंगे। ये वाला नहीं ये वाला यूज करेंगे इस बार हम। पक्के तो सारी हैं। फर्स्ट टाइम से हम ये यूज कर रहे हैं। हाँ इससे हमारी दो तीन पतंग कट भी गई और दो काटी भी है। हम ये उड़ा के देते हैं ना इस बार ये वाला यूज करते हैं। ये वाला थोड़ा सही लग रहा है मेरे को दिखने में इसका टेक्सचर, बाकी उड़ा के देखते हैं कैसा क्या है पकड़। रंग बिरंगा सा है। और पतंग उड़ाएंगे हम ये वाली। चिनू दिखा एक बार पाड़ दी भैया की हुआ ये वाली पतंग उड़ाओगे हम, पान का पत्ता पतंग रॉकेट पतंग। पागल है तू एक नंबर की पाड़ दिया कन्नी बांध देना मैं पाड़ दी तेरे। जाओ पन्नी की पतंग है देखा एक बार यहाँ पे होएगा देखिए आइस के पन्नी की पतंग है जिसमें चीनू कैची से छेद कर रही थी। कैची से छेद कर रही थी इसमें पागल माची भी ला रही है अपने के ला छोड़ दे हो गया ये ले बांध या भी तने छोटी बांध इतनी छोटी कन्नी बंदा करेंगे। हाँ तो भाई ये लास्ट पतंग आज की हमने बहुत ट्राई कर लिया यार इतने एक तो इतने पतंग उड़ा के देख लिया तो उड़ी नहीं रहे ऊपर से फिर हवा नहीं आ रही है बिल्कुल तो लास्ट ट्राई है। इतने सारे वेस्ट इतने सारे वेस्ट क्या ये उड़ा लेंगे चीनू और उड़ा लेंगे बाद में या देख कन्नी बांध दिया पार्ट की थोड़ी सी दूसरी साइड भी लगाना था है? दूसरी साइड भी लगानी थी दोनों साइड लगानी थी दोनों साइड क्यों ऐसे ही मजबूती डबल मजबूती। चलो भाई लास्ट ट्राई आज की लास्ट पतंग हवाई है हवाई नहीं है बिल्कुल भी स्ट्रगलिंग कती हवा को ना आगे रे 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 आसमान को छुप कर देखा तारों की कर ली सवारी लेकिन नहीं देते तीनों ए चीनू देख देख बैरी होगी बैरी लड़की दिखाऊं चीनू ए चीनू पीछे नहीं सोचे रुकी जाती हूं चीनू देखो बैरी कन्नी दे दे भाई आज का कार्यक्रम समाप्त होते हुए अब और बस की नहीं पतंग उड़ाने क्योंकि हवा ही नहीं चल रही। और ये देखो उंगली में टेप लगाई थी क्योंकि मेरी कई जगह से उंगली कट चुकी थी इतनी सारी पतंग थी इतनी सारी वे भी पड़ी हैं ये भी पड़ी हैं किसी काम नहीं आई कुछ भी हवा ही नहीं है क्योंकि बस जल के ऐसे ही पूरे में आग लग जाएगी जल के फिर ये ऐसे पड़ जाएगा कहीं जलता हुआ ही क्या है इसमें रॉकेट का नहीं पड़ता जैसे रॉकेट अच्छा, रॉकेट का पटाखा ऊपर जाता है पड़ता है फूटता है ऐसे ये जाके पड़ जाएगा कहीं। तो गाइज आज मेरा मंगलवार का फास्ट है तो मैं ज्योत बत्ती करके अपना फास्ट खोल रहा हूँ। चलो और जो बचेगा ये काफी बांटना पीछे बांटा बार बार बांट दो मैं खा लूंगी रहने दे तू नहीं खा सकता खा सकता हूँ और थोड़ा सा मैं खाऊंगा कान को भी खिला दे और ये खुद खा लियो फिर बार बार दे चल इस साइड आ जा ये बता। मेरे को गाय को रोटी भी दे के आनी है तू साथ चल बना दो अभी बना दो रोटी और चूरमा ये आ गया चूरमा ये किसका है चीनू का तो वो है ये स्वाति का है आप नहीं खा रहे चलो मैं थोड़ी देर में आऊंगा अभी
क्या ऐसे न्याड़ी लाने से क्या होगा? अरे मैं वो करवाने जा रहा हूँ कपिंग, कमर में जो मेरे दिक्कत है। स्वाति है तो? स्वाति तो रे मशीन थोड़ी है इसके पास, ले रही है तू मशीन? क्या हमें मशीन है। अभी इसको क्या पढ़ रहे थे आप? गाइस ये देखो क्या लिखा है, ये पर्दा। ये क्या लिखा है? मम्मी क्या पढ़ रही थी इसको? इसको बोल रही थी कि ये पर्दा लिखा है क्या, मुझे क्या पता। नई नई कंपनी आती है, मगर भाई पहले पूछ लू। ये नई ना है, पुरानी कंपनी है। मैंने आज देखी है, सुनी है, पढ़ी है। पड़ी आज है, लत्ते तो बहुत है मेरे पास पराठा के। ये भाई पराठा देख लो, ये भाई पराठा की है टी शर्ट, मम्मी इसको पढ़ रही है। पर्दा ही है ना, ये पर्दा लिखा है ना, मगर नहीं पराठा है पराठा। कोई नहीं, घर में पराठा होना चाहिए, फिर पर्दा हो चाहे पराठा हो। है देख लो भाई, देख किसी और पे नहीं देखा, ये ना देखा होगा। वैसे वो आगे पीछे रहता है, कई बार टैग में रहता है, ये इस पे ऊपर ही लिखा हुआ है। इसके अलावा कितने हैं बता? दो तीन और है मेरे पास। तो भाई अभी आ गया हूँ हेमंत के पास, हेमंत की लोड अल्टो में। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हैप्पी इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई पतंग उड़ाए आज मैंने बहुत सारे पतंग, मैंने भी उड़ाने की कोशिश की, उड़ी नहीं है। उड़ी नहीं भाई, तेरा शरीर थुल थुल हो चुका है ना। तू एक काम करिए, अभी अभी शरीर थुल थुल होने से क्या हो गया भाई? वो तेरे से वैसे ऐसे उड़ाया नहीं गया ना हाथ से। अच्छा तू एक काम करिए, इफकटा जाम अभी यार कुछ खा लेते हैं। ये कुछ खाने जा रहे हैं भाई, मैं तो करते चूरमा खा कर आ रहा हूँ और दूध भी खा रहा हूँ। तू खा ले भाई, फिर उसके बाद क्या कर मेरी वो कर दे तू, कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी करेंगे भाई तेरी, जरूर करेंगे। ये देखो भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी और इसकी लोड अल्टो में हम जा रहे हैं अभी। बाकी यहाँ इंडिपेंडेंस डे है तो सब बंद ही मिलेगा जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन रेडी रूडी पा जाएगी, तेरा काम चल जाओगा। रजित ने एक जगह बताई है, शायद वहाँ पे कुछ मिले। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं नजफगढ़ की तूड़ा मंडी में। तूड़ा मंडी में एक दो रेडिया लगती है तो वहाँ पे कुछ इसको खाने का मिल सकता है। नजफगढ़ का किंग रह चुका है ये रजित, अपने टाइम पे अपने टाइम पे नजफगढ़ का किंग था। मैं यहीं पे घूमता था पैदल स्कूटी पे, यहीं पे यही बीते दिन मेरे, यही बीते मेरे सवेरे, ऐसा वाला सीन था। फिजिक्स पढ़ने आता था यहाँ पे, फिजिक्स इसने बहुत पढ़ी लेकिन इसको आई नहीं कभी। हाँ मेरे 96 नंबर नु आ गए फिजिक्स में भाई। हर जगह मैं यही सुनना चाहूंगा, मैं सच में यही चीज सुनना चाहूंगा, 96 बोल लगा कि नहीं भाई आए कैसे मेरे 96 नंबर, ऐसे थोड़ी ना आते हैं। मैं अब तेरे को क्या बता बता के पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता है। ये हर जगह यही गाता है भाई, मेरे 96 आए थे फिजिक्स में भाई, आए थे। आई एम प्राउड, तेरे बस की होता तू लिया था बारहवीं में भाई। आई एम प्राउड, आई एम वेरी प्राउड, मैं फिजिक्स का टॉपर था अपने स्कूल का। मेरी फील्ड अलग थी यार, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। फिर भी तेरे मेडिकल में भी ना आए 96 बायो में, तू लाइन पे पास हो रहा था कभी? ओके अरे तू चुप रह, तू अपने अपने इवेंट की मैं खा ली है, उसके बाद तू मेरी कपिंग थेरेपी कर दी है भाई। अपने इसे क्लिनिक पर जाके भाई कपिंग थेरेपी करवाऊंगा कमर में मैं अभी। तो ये आ गया हेमंत की क्लिनिक पर, चल भाई जल्दी से मेरे कपिंग थेरेपी कर दे। ये वाली करेगा ना जो फोटो में लगा रखी है पीछे? हाँ यही होगी। हाँ भाई रचित कैसा लग रहा है भाई? मैं मरीज तो नहीं लग रहा, मरीज तो नहीं लग रहा, तो खैर ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा पैसे हैं बस थेरेपी कराने आ गए कमर में। हाँ ये है, मैं देख नहीं पा रहा मैं अपनी कमर में पीछे क्या हो रहा है। कोई नहीं मैं दिखा दूंगा तेरे को, इसलिए तू वीडियो बना फिर मैं बाद में देखूंगा। हाँ मैं दिखा देता हूँ, बाकी निशान रहेंगे? निशान तो रहेंगे, ये दो थोड़े मतलब हो चुके थे जो, इसलिए मैंने ये हटा दिए हैं। दर्द ना होगा बाद में? दर्द नहीं होगा, बस थोड़े निशान रहेंगे हफ्ते भर तक। ये देखो भाई रचित को दे दी है लव बाइट्स, कमर लाल हो गई पूरी, पूरी लाल हो गई है। कितनी सारी बाइट दे दी है रचित को, कैसा लगा मेरा प्यार? मैं देख भी ना पा रहा यार, प्यार ऐसा दर्द ना हो यार, प्यार ऐसा ही होता है दिखता नहीं है। ओ माय गॉड, ये वीडियो कटे बाद देखूंगा क्या कर रखा है तूने। ना दर्द इतना ज्यादा दिया गया? हां डिजाइन बन गया है, इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा इसमें, नॉर्मल ड्राई कपिंग में कम होता है मतलब। हां ये है कि कल थोड़ा फील होगा। तो गाइस वापस घर आ गया हूं, सारे लोग सो गए हैं, मेरा भी सोने का टाइम हो गया है। और एक दो दिन से व्लॉग ऐसे ही बना रहा था, कुछ खास दिखा नहीं रहा था व्लॉगिंग में, क्योंकि मेन चैनल की वीडियो में बिजी था। आज का व्लॉग बढ़िया बना है और आरआरआर सेगमेंट कल से बढ़िया कंटिन्यू करूंगा। एक तो यार आप लोग कमेंट करके अच्छे अच्छे सवाल नहीं पूछते आरआरआर सेगमेंट में, तो अच्छे अच्छे कमेंट करो यार, ताकि मेरे को आरआरआर सेगमेंट करने में मजा तो आए। आप लोग कभी रिपीटेड सवाल पूछते हो, कभी कैसे सवाल पूछते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो यार, ताकि मैं रिप्लाई करूं तो मेरे को मजा आए। ये गुड्डा क्यों मुद्दा पड़ा है, इसको सीधा करो। अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, शक्ल दिख रही है इसकी। तो चलो भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट करना आरआरआर सेगमेंट के लिए, जो कि कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अभी सोने का टाइम हो रहा है, रात होगी, अब बढ़िया पतंगबाजी करी आज। स्टार्टिंग में तो बढ़िया पतंग उड़ी, हमने बढ़िया पतंग भी काटी, फिर उसके बाद भाई बिल्कुल हवा नहीं चली। हवा इतनी इतने स्ट्रगल करा, इतना स्ट्रगल करा हमने, लेकिन हवा चली नहीं, हम उड़ा ही नहीं पाए पतंग।
और बिल्कुल जब तक अंधेरा नहीं होगा जब तक कोशिश करी कि पतंग उड़ाए उड़ाए उड़ाए, पर उड़ाए नहीं पाए, क्या करे। फिर उसके बाद भाई अपना फास्ट वगैरह खोला, फिर प्रसाद बांटा, फिर चूरमा खाया, फिर उसके बाद चला गया कपिंग थेरेपी कराने। अभी कमर में पड़े हुए हैं बहुत गंदे निशान, अब देखते हैं कल इनमें दर्द होगा या नहीं होगा। अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कल दुखे या इसमें भाई खुजली हो, क्या होगा कल पता लगेगा। अभी इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, आरआरआर सेगमेंट के लिए बढ़िया बढ़िया कमेंट करना। चलो कल सुबह मिलते हैं 11 बजे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, जय श्री राम।